ज्वालामुखी में नगर परिषद कार्यालय में मजदूर महिलाओं ने हल्ला बोल दिया और काम करने से मना कर दिया। मामला इस तरह से हुआ कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत नगर परिषद द्वारा लगभग 40 महिला मजदूरों को 12 किलोमीटर दूर सुराणी में सोलिड बेस में गंदगी के ढेर से प्लास्टिक के लिफाफे अलग करने का कार्य दे दिया गया, लेकिन महिलाओं ने सुराणी में काम देखकर इसे करने से साफ मना कर दिया। महिलाओं शांति सरोजनी देवी, सुमन कंचन बाला, निशा देवी, पुष्पा सिमरो, पवना आदि का कहना है कि उन्हें नगर परिषद के 7 वार्डो में जो भी कार्य है, सफाई, झाड़ियां साफ करना, रास्ते, पुली व अन्य निर्माण कार्य करना वो करेंगी, लेकिन गंदगी का कार्य नहीं करेंगी। जबकि कुछ महिलाओं का कहना है कि उन्हें कार्य करने के लिए ना तो कोई ग्लव्स, मास्क दिए गए और ना ही कोई सैनिटाइजर दिया गया। इसके साथ ही कोरोना काल में सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। गंदगी में शीशा, बोतलें व सिरिंज भी हैं और इस महामारी के दौर में नगर परिषद लापरवाही बरत रहा है और किसी की भी सुरक्षा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्हें 12 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा, जो कि संभव नहीं है। नगर परिषद कार्यालय में इसी बात को लेकर गहमा गहमी का दौर जारी रहा। कार्यालय में नगर परिषद के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। उन्होंने भी महिलाओं को शहर में कार्य करवाने को कहा। महिलाओं ने बताया कि जब उनका जॉब कार्ड बनाया गया तब उसमें नहीं बताया गया था कि इस तरह का कार्य भी करना है, जबकि कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि महिलाओं को बताया गया था। जो नरेगा में काम आया है वो हमने झाड़ियाँ काटनी है, वो काम कराएंगे और गंदगी में हम नहीं उठाएंगे। जो जो काम पूरा कमेटी का गंद जा रहा है उसको फेंक रहे हैं उधर गाड़ियों भर भर के, उसको बोल रहे हैं कि लिफाफे ला करो, शीशी ला करो, फलान फलान का सारा काम ला लग करो। ऊपर सुरानी है भेजा देते हैं का काम आया। हाँ जी खुशी है, हाँ भी कर लें, अपर गल ये भी पूरा नहीं ऐसा चुकी सकते, नहीं तो टाइम तो पूज नहीं सकते। आते तो नहीं कोई सुविधा गड्डिये दी, नहीं बसों दी, नहीं तो कोई साढ़े वाला ग्लव्स है, नहीं कोई वर्दी है, नहीं कुछ। नरेगा च लगाया, नरेगा वाला काम मिलना चाहिए और लफाफे नहीं, हमने गंदगी नहीं उठानी है। कमेटी दफ्तर में काम आता नहीं था, अब आया तो गंदगी उठाने वाला काम आया। हमारा 7 नंबर वार्ड में ये सब लोगों को काम मिलना चाहिए और इतनी दूर 12 किलोमीटर हम पैदल जाना पैदल आना, कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है, कोई इसकी नहीं है, ग्लव्स की सुविधा नहीं है, सैनिटाइजर की सुविधा नहीं है, मास्क नहीं है, तो हमने गंदगी कैसे उठानी है? इसकी जिम्मेवारी कौन है, सरकार या कमेटी वाले? देश कुमारी, मैं ज्वालामुखी वार्ड नंबर 1 से बोल रही हूँ। हमें ना नरेगा का काम दिया है, हम इधर कमेटी एरिया में कर रहे हैं। जो वार्ड नंबर 7 है हमें जहाँ मर्जी काम पे लगा दो, हम किसी भी वार्ड में काम करने के लिए तैयार हैं। और हमें 15-20 किलोमीटर दूर जंगल एरिया में भेज रहे हैं, जो हॉस्पिटल का सभी जगहों का कूड़ा कचरा जंगल में फेंका जाता है, उधर हमें बोल रहे हैं कि काम करो। हम उधर काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उधर ना कोई गाड़ी की सुविधा है, ना आने जाने का, ना उधर कोई पानी पीने का, ना कोई बैठने की जगह साफ सुथरी है। हम इसी जगह गंदगी में काम नहीं कर सकते हैं। कोई क्लब है ना, कोई सनट्रैक्स वगैरह कुछ भी सुविधा नहीं है। इस बारे में नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी कंचन बाला का कहना है कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत 120 दिन का कार्य दिया गया है और जिनका कार्ड बना हुआ है उन्हें ज्वालामुखी में भी कार्य दिए गए। अब जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा गया है कि सॉलिड बेस में भी कार्य करना है, पर महिलाएं मना कर रही हैं और वहां पर सिर्फ प्लास्टिक अलग किया गया है, उसे ही डालना था, लेकिन उसको भी करने से मना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मास्क, ग्लव्स भी उपलब्ध करवाए गए हैं। आजीविका जो गारंटी योजना है सरकार ने शुरू की है, 120 दिन के लिए है ये। शहर एक साल में जो है 120 दिन के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स में हमारी स्कीम्स जो हैं वर्क्स के अगेंस्ट में हैं। कुछ लेबर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्टर के पास जो लेबर है उसके साथ जो है उसमें लोगों को रोजगार दिया जाएगा। दूसरा जो रोजगार का ये है वो उसमें किया हुआ है कि सैनिटेशन वर्क्स में और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के जो अंतर्गत जो हमारे वर्क्स आते हैं उनमें जो है इन लोगों को जो है डिप्यूट किया जाएगा। तो हमारे शहर में हम लोगों ने अभी पहले जो है इनको डिप्यूट किया था। कुछ लोगों के अभी 1 मंथ हो गया है, किसी का 20 डेज हो गए हैं, तो अब लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने आज जो है
शहर की जो सॉलिड वेस्ट की हमारी साइट है सुरानी के पास, वहाँ पे इन लोगों को कार्य के लिए डिप्यूट किया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे सफाई का जो सॉलिड वेस्ट में काम है वहाँ पे हम लोग काम नहीं करेंगे, ये काम करने से रिफ्यूज़ करते हैं। नहीं देखिए, कोरोना काल चला हुआ है, वैसे तो हम लोगों ने इनको ग्लव्स और ग्लव्स आज भी लेके गए थे, मास्क है वहाँ पे हमारे, ये मास्क तो सभी लोग आज लगा ही गए हैं, और ग्लव्स भी हम लोगों ने इनको दिए थे, और वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर जो है वहाँ पे हमारी जो पॉलीथीन है जो हमने कलेक्ट की है, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जिसमें हम लोगों ने पॉलीथीन जो है वो कलेक्ट करना था, हमें जो पॉलीथीन आया था वो हम लोगों के पास वो हम लोगों ने स्टॉक करके रखा था, उसको हम लोगों ने क्योंकि उसको आगे कंपनी को भेजना है, वो गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ है, हमने इनको आज इसलिए भेजा था कि आप जो हैं वो जो पॉलीथीन कलेक्ट किया है उसको आप बोरियों में उसमें पैक करके पैक करने के लिए, लेकिन उसको भी इन्होंने रिफ्यूज़ किया है।